Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. Today in this video, we'll study about some most expected MCQs from the topic of growth and development models. If you want to avail full courses of UGC NET Economics, you can join PanaceaTutor.com. Now, let's begin with the questions. So, first question is, which of the following growth models assume neutral technical progress? Our options are, first, Harrod model, second, Solow model, third, both 1 and 2, fourth option is neither 1 nor 2. अब इस questions में क्या पूछा गया है कि neutral technical progress कौन से model में assume किया गया है? तो हमें पता है कि Harrod model और Solow model दोनों ने ही अपने-अपने model में neutral technical progress को assume किया है. तो answer will be 3, both 1 and 2. Next question is, which amongst the following is not a feature of JE Mains model? Options are, first, perfect competition prevails, second, economy produces consumption goods and producer goods, third, perfect substitution is possible between consumption and capital goods, fourth, it examines the relationship between the growth rate of population and growth rate of savings. अब इसने क्या पूछा है कि JE Mead के मॉडल का कौन सा ये फीचर नहीं है, आपको एलिमिनेट करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है, यस करता है. सेकंड ऑप्शन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस कंजम्पशन एंड प्रोड्यूसर गुड्स, यस दिस इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन थर्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड, दिस इज आल्सो ट्रू. ऑप्शन फोर इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग्स, this is wrong. So our answer will be option 4. Fourth option is not a feature of JE Mains model. Next question is, in Solow's growth model, the output per capita is a function of, options are, first, labor output ratio, second, capital output ratio, third, technical progress, fourth, capital labor ratio. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोलो ने अपने ग्रोथ मॉडल में आउटपुट पर कैपिटा को किस दूसरे वेरिएबल का फंक्शन बताया है. तो अब इन ऑप्शंस को हम देखते हैं. पहला कैपिटल लेबर रेशियो, ये भी नहीं है. थर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये भी नहीं है. ऑप्शन थर्ड टेक्निकल प्रोग्रेस, ये भी डिपेंड नहीं करता है. राइट आंसर इज कैपिटल लेबर रेशियो, ऑप्शन फोर. तो सोलो के मॉडल में आउटपुट पर कैपिटा किस पे डिपेंड करेगा? कैपिटल लेबर रेशियो पे. अगर आपने सोलो का मॉडल अच्छे से किया होगा तो आप इजीली इस आंसर का पता कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेविंस्टीन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस ट्रीट्स पॉपुलेशन एज अ फैक्टर दैट इज, ऑप्शंस आर, ऑप्शन 1 इनकम जनरेटिंग, 2 इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग, ऑप्शन 3 इनकम डिप्रेसिंग, ऑप्शन 4 मार्केट एक्सपैंडिंग. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेविंस्टीन ने अपने थीसिस में पॉपुलेशन को कैसा फैक्टर माना है? क्या वो इनकम जनरेटिंग है, क्या वो इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करता है, क्या वो इनकम को डिप्रेस करता है, या फिर वो मार्केट को एक्सपैंड करता है? तो आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन 3. लेविंस्टीन का जो मॉडल है उसमें उसने पॉपुलेशन को ऐसा फैक्टर अज्यूम किया है जो इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है, वो इनकम को कम कर देता है. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, इनकम डिप्रेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड साइड विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी? विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. ये किसने दी है थ्योरी? नर्कसे ने दी हुई है. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. अब इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से हमें देखना है कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, अब ये सारी स्टेटमेंट्स हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, लो इनकम दैट विल लीड टू लो डिमांड, लीडिंग टू लो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग टू कैपिटल डेफिशिएंसी, लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी, अगेन लीडिंग टू लो इनकम. सेकेंड ऑप्शन विल बी लो प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू लो इनकम, दैट विल लीड टू लो सेविंग, दैट विल लीड टू लो इन्वेस्टमेंट एंड दैट अगेन विल लीड टू कैपिटल डेफिशिएंसी. ऑप्शन थ्री इज, लो इनकम विल लीड टू लो इन्वेस्टमेंट, विल लीड टू लो डिमांड, विल लीड टू लो कैपिटल डेफिशिएंसी. ऑप्शन फोर इज, लो डिमांड दैट विल लीड टू लो सेविंग, दैट विल लीड टू लो प्रोडक्टिविटी, दैट विल लीड टू लो इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल लीड टू कैपिटल डेफिशिएंसी. अब ये चारों स्टेटमेंट्स में से हमें देखना है कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है अबाउट विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी. सो आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 कैसे, क्या कहता है ऑप्शन 1? लो इनकम विल लीड टू लो डिमांड,
will lead to low investment and that will lead to capital deficiency and that will lead to low productivity in the economy and that again will lead to low income. और ये एक पूरा circle बन जाएगा. तो जिन्होंने vicious circle of poverty पढ़ा होगा वो easily इसे answer कर सकते हैं. तो answer क्या है इसमें? Option 1. Next question is, which of the following is a cause of disequilibrium between warranted rate of growth and actual rate of growth in Harrod model? अब इस क्वेश्चन में Harrod model के बारे में कुछ concepts के बारे में पूछा गया है. अब जिसने Harrod model किया है वो इन concepts को अच्छे से जानता होगा और इसका आंसर अच्छे से दे सकता है correctly. तो options in this case are, first, discrepancy between ex ante investment and ex post investment. Second, discrepancy between ex ante investment and ex ante savings. Third option is discrepancy between ex ante savings and ex post savings. Option 4 is discrepancy between ex post investments and ex post savings. ठीक है, अब ये चारों statements दी हुई है. तो answer in this case will be option 1. अब option 1 क्या है? Discrepancy between ex ante investment and ex post investment. ex ante investment क्या होती है? पहले से planned और ex post मतलब actual investment. अगर इन दोनों के बीच में discrepancy होगी तो warranted और actual growth rate जो Harrod ने अपने model में बात की है उनमें disequilibrium आ जाएगा. ठीक है, ये important question है, कई बार repeat हो चुका है exams में. Next question is, Adam Smith advocated which of the following? A. Laissez faire, B. Invisible hand, C. Free trade policy and D. Competitive markets. अब इस क्वेश्चन में बात की गई कि एडम स्मिथ इनमें से किन किन चीजों के बारे में बात करता है, किन किन चीजों का सपोर्टर है. तो हम ऑप्शंस को देख लेते हैं. ऑप्शन 1 इज ए एंड बी, ऑप्शन 2 इज बी एंड सी, ऑप्शन 3 इज ए बी एंड सी, ऑप्शन 4 इज ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन 4, ए बी सी एंड डी. ऑल द 4 आर एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ इन हिज पॉलिसी. ओके, अब एडम स्मिथ के ऊपर ये क्वेश्चन है. जिन्होंने एडम स्मिथ को अच्छे से पढ़ा है वो आंसर इसका करेक्टली दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो इज वैलिड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग नेशंस विल इंक्रीज. ऑप्शन 2, पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग द नेशंस विल डिमिनिश. ऑप्शन 3, इकोनॉमिक फ्रीडम एज मेजर्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स विल डिक्रीज. ऑप्शन 4, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन रिच कंट्रीज विल इंक्रीज. अब इन सब में से हमें देखना है कि सोलो के मॉडल की प्रिडिक्शन क्या है. सो आंसर हेयर विल बी ऑप्शन 2. सोलो के मॉडल की प्रिडिक्शन क्या है कि लॉन्ग रन में क्या होगा, पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंसेस सारे नेशंस के बीच में डिमिनिश होते जाएंगे. तो सोलो के मॉडल के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर शम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. शम्पीटर के मॉडल के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है? स्टेटमेंट क्या है? ए, डेवलपमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक. स्टेटमेंट बी, डेवलपमेंट फ्लरिशेस इन डेमोक्रेसी. सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप्स थ्रू ट्रेड साइकल्स. ये सारी स्टेटमेंट्स हैं. ऑफ द अबव विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ऑप्शंस आर 1, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. ऑप्शन 2, A and B are true. Option 3, B and C are true. Option 4, A and C are true. अब ये वाली स्टेटमेंट हम देखते हैं. A स्टेटमेंट, ठीक है, शम्पीटर ने अपने मॉडल में बैंक क्रेडिट की बात की, तो A स्टेटमेंट इज ट्रू. B, डेवलपमेंट फ्लरिशेज इन डेमोक्रेसी. शम्पीटर ने अपने मॉडल में कहा है कि डेवलपमेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज में फ्लरिश करती है, तो स्टेटमेंट B इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट C, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप्स थ्रू ट्रेड साइकल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो आंसर हेयर विल बी ऑप्शन 4, ए एंड सी आर ट्रू, बी इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मार्क्सियन मॉडल द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल इज. ऑप्शन 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. ऑप्शन 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. ऑप्शन 3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. ऑप्शन 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. सो आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल. ये हमने किया है पहले मार्क्सियन के मॉडल में,
तो हम इसका इजिली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द थर्ड स्टेज इन रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। ऑप्शन वन हाई मास कंजम्पशन, ऑप्शन टू ट्रेडिशनल सोसाइटी, ऑप्शन थ्री प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, ऑप्शन फोर टेक ऑफ। अब इस क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन के बारे में पूछा गया है कि रोस्टो की जो स्टेजेस है उनमें से थर्ड स्टेज बताओ कौन सी है, तो आंसर हियर विल बी ऑप्शन फोर टेक ऑफ, क्योंकि रोस्टो के स्टेजेस में थर्ड स्टेज कौन सी होती है टेक ऑफ की। फर्स्ट क्या होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकेंड इज प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, थर्ड स्टेज विल बी टेक ऑफ, तो आंसर हियर विल बी ऑप्शन फोर टेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ हैरडियन इकोनॉमी GA इज इक्वल टू 10% एंड GW इज इक्वल टू 8%, दिस विल लीड टू फर्स्ट इन्फ्लेशन, सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड डिफ्लेशन, फोर्थ स्टैगफ्लेशन। अब ये भी हैरड मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि अगर एक्चुअल ग्रोथ ग्रेटर होगी वारंटेड ग्रोथ रेट से तो कौन सी सिचुएशन प्रिवेल करेगी इकोनॉमी में। तो सारे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन इन्फ्लेशन। अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा होगी वारंटेड ग्रोथ रेट से तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट वन इज ऑफ ऑथर्स एंड लिस्ट टू ऑफ बुक्स। लिस्ट वन ऑथर में है ए गुनार मिजरल, बी रुचिर शर्मा, सी जगदीश भगवती, डी जोसेफ शम्पीटर। लिस्ट टू बुक्स में है फर्स्ट द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, सेकेंड इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, थर्ड कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, फोर्थ एशियन ड्रामा। अब ये हमें ऑथर्स दिए गए हैं और लिस्ट टू में हमें बुक्स दी गई है, हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। नीचे हमें कोड्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। अगर अब हमें इनमें से एक दो ऑथर्स की भी करेक्ट बुक्स पता है तो हम कोड्स के थ्रू करेक्ट ऑप्शन जज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन नंबर टू, ए इज रिलेटेड टू फोर, ए गुनार मिडरल इज रिलेटेड टू एशियन ड्रामा, बी इज रिलेटेड टू वन रुचिर शर्मा राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, सी इज रिलेटेड टू सेकेंड जगदीश भगवती इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डी इज रिलेटेड टू थर्ड शम्पीटर इज रिलेटेड टू कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस का ट्रेंड बहुत होता है एग्जाम्स में, तो अगर आपको इनमें से कुछ की भी आंसर्स पता है करेक्टली तो आप करेक्ट आंसर जज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिग रैशनेल ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ फर्स्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, थर्ड इंटरनल इकोनॉमीज, फोर्थ नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन में बात की गई है बिग पुश थ्योरी के बारे में, बिग पुश की थ्योरी कौन से आइडिया पे बेस्ड है, तो आंसर हियर विल बी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। बिग पुश की थ्योरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हैरड डॉमर इक्वेशन जी इज इक्वल टू एस अपॉन वी, वेयर वी इज डिफाइंड एज फर्स्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रीज कैपिटल स्टॉक, सेकेंड ऑप्शन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, थर्ड ऑप्शन द चेंज इन कंट्रीज कैपिटल स्टॉक, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। अब आंसर हियर विल बी ऑप्शन टू, क्योंकि हमने हैरड डॉमर के मॉडल में पढ़ा है वी क्या होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो दैट इज इंक्रीमेंटिंग। ओके तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, ये सारी थ्योरी के बेस पे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट द गिवन मेल आईडी एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस। थैंक यू।